अभी गया जंक्शन पर आते हैं तो आपको कुछ बात का ख्याल रखना होगा, ख्याल ये रखना होगा कि आपको बाकी। चलिए अभी आपको थोड़ा सा गया जंक्शन का आपको अपडेट देते चलते हैं। गया जंक्शन भी अभी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत समझिए कि बहुत बड़े पैमाने पर हाईटेक स्टेशन बनने के लिए तैयार है। यहाँ भी सारा पुराना वाला जो बिल्डिंग था तोड़ताड़ के बराबर कर दिया, एकदम नया सिरे से और नया तरीके से गया जंक्शन को बनाया जा रहा है। और अभी गया जंक्शन पर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जितना भी आपको वेटिंग हॉल वगैरह मिलेगा वो आपको डेल्हा साइड में यानी कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म के तरफ ही आपको मिलेगा। वेटिंग हॉल से लेकर आपको शौचालय वगैरह सारा का सारा उधर है। पहले 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में हुआ करता था जो कि टूट फूट के बराबर हो गया, और अब आपको 7 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में डेल्हा साइड वाला बिल्डिंग में आपको मिलेगा। ये वही डेल्हा साइड वाला बिल्डिंग, आपको सामने जो बड़ा वाला बिल्डिंग दिख रहा है उसी बिल्डिंग में आपका अभी वेटिंग हॉल है, शौचालय वगैरह वहीं पर है। और इधर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर भीड़ जो दिख रही है तो वो हावड़ा जाने वाली है या धनबाद की तरफ जाने वाली मैक्सिमम भीड़ है। और इधर जितना भी था वो सब तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया गया है। 1 नंबर की तरफ जितना भी बिल्डिंग्स था अब टोटल का टोटल आपको इधर कर दिया गया है। तो चलिए आज अभी आपको कुछ और आगे की तरफ कुछ गया जंक्शन का अपडेट देते चलते हैं। और इधर देखिए यहाँ पर लॉक कर दिया गया है। इधर से पहले था कि आदमी सीढ़ी से चल के आता था तो उस साइड जाता था, अभी सामने लिखा हुआ है काज प्रगति पर है, सुविधा के लिए खेद है। और आने वाला दिन में हो सकता है ये वाला फिर से एक्सटेंशन हो, एक्सटेंशन होने के बाद इस तरफ भी जाने के लिए रास्ता मिलेगा ही। देखिए यही नया वाला बिल्डिंग्स तैयार हो रहा है और सामने वाला बिल्डिंग्स तो रेडी है, उसका अंदर में भी बहुत सारा काम हो चुका है। और ये वाला आप जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको सामने, ये वाला बिल्डिंग में भी शीशा वीशा का काम हो रहा है। इंटीरियर काम अभी बहुत बाकी है, बाकी बाहरी काम जितना भी है लगभग बिल्डिंग तैयार हो चुका है। और 1 नंबर के तरफ तो अभी स्ट्रक्चर स्टार्ट ही हुआ है बनना, अभी टाइम लगेगा बनने में। और ये एकदम बीच वाला फुटओवर ब्रिज है जहाँ से, तो मतलब मेन फुटओवर ब्रिज जिसको बोल सकते हैं, और पहला फुटओवर ब्रिज तो कि सबसे आखिरी में एक्ट है और दूसरा जो एकदम से बीच में है, और तीसरा आपको उस तरफ दिखेगा जो कि पहले जो था ये वाला सीढ़ी यहीं से सीधा आगे की तरफ जाता था और आदमी सीधा उतर जाता था। अलग देखिए यहाँ से तोड़ दिया गया है पूरा, आपको दिख रहा होगा गड्ढा गुड्ढी किया हुआ है, ये बन रहा है चारों तरफ। और इसी को यहाँ से हटा के अब क्या है कि यहीं से नीचे के तरफ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और उसके नीचे नीचे फिर बाहर की तरफ जाना होगा। हालाँकि देखिए इधर भी लग रहा है बाथरूम बना दिया गया, बाथरूम इधर है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम बहुत हैवी प्रॉब्लम है यार। जब भी आदमी नया आदमी आ रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि किधर से प्लेटफॉर्म तोड़ा गया है, किधर से रास्ता निकाला गया है, तो इसलिए अपडेट ज़रूरी है। अब देखते हैं किधर से जंक्शन से बाहर निकलने का रास्ता है, गए जंक्शन पर किधर से दिया है, फिर बाहर जाने का कहीं ना कहीं से तो रास्ता दिया ही होगा। कुछ दिन पहले यहाँ से भी रास्ता दिया गया था निकलने के लिए, अभी देखिए ये वाला रास्ता भी लॉक कर दिया गया है। अब शायद लग रहा है आगे से, सबसे आगे से रास्ता दिया गया है जंक्शन से बाहर निकलने का। देखिए यहीं से रास्ता है बाहर निकलने का जंक्शन से, आप जब उधर से आएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म नंबर से आपको यहां से बाहर होके निकलना होगा गया जंक्शन पर। तो यही सबसे आखिरी वाला ओवर ब्रिज है, इसी है सबसे आखिरी वाला ओवर ब्रिज के बगल में से आपका वो एग्जिस्ट करने का रास्ता दिया गया है। गया जंक्शन से आप बाहर निकल सकते हैं, मतलब आप मेन मार्केट की तरफ निकल सकते हैं यानी 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। और इधर ही आपको निकलने के बाद आपको बहुत सारा ऑटो वगैरह मिलेगी कहीं भी जाने के लिए। और इसके बाद जब आगे जाएंगे आप तो उधर अभी सारा का सारा रास्ता जो 3 ठो फुट ओवर ब्रिज में 2 ठो फुट ओवर ब्रिज समझिए भी लॉक है। और सबसे आखिरी वाला जो फुट ओवर ब्रिज है जो कि गया का सबसे आप उत्तर साइड में समझिए वो वाला भी ऑन है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पीछे जाना होगा। और बाकी आप जैसे ही बाहर निकलेंगे गया जंक्शन के तो आपको सामने में एक टिकट काउंटर है यहीं पे बगल में, और इसी के बगल में देखिए बड़ा सा एक छावनी देकर पैसेंजर को रुकने के लिए बनाया गया है। और इसी के अंदर में आपका टिकट काउंटर है, बहुत सारा टिकट कटता है, दोनों साइड में टिकट काउंटर है, इधर भी आप टिकट कटा सकते हैं। और डेल्हा साइड वगैरह डेल्हा साइड में भी आप जाएंगे तो उधर भी आपको टिकट काउंटर छोटा सा दिखेगा, वहाँ भी आप जाकर टिकट ले सकते हैं।
देखिए यही गया जंक्शन का भी हाल है। हाल ऐसा है कि आप देख सकते हैं नज़ारा, आपको पूरा एकदम खाली मिट्टी मिट्टी और टूटा फूटा दिख रहा है, क्योंकि पहले जो गया जंक्शन शानदार लिखा हुआ जो दिखता था उसी तिरंगा के बगल में ही आपको गया जंक्शन बड़ा सा बोर्ड और बड़ा सा बिल्डिंग दिखता था। अब वही बिल्डिंग जो है अब पूरा कहानी ख़त्म है और एकदम नया सिरे से अब नया बिल्डिंग बनाया जाएगा, देख सकते हैं। और इधर जेसीबी वगैरह भी लगा हुआ है, मेन अभी बेस जो है और स्टेशन का स्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा है। अब बहुत जल्द गया जंक्शन, समझिए कि जल्द नहीं, टाइम तो लगेगा यार, बहुत लंबा टाइम लगेगा बनने में। लेकिन नहीं है कि एकदम हाईटेक सिटी तो है ही, उसके साथ हाईटेक स्टेशन भी बनेगा जो कि हर तरह से सुविधा से लैस होगा। तो गया जंक्शन का जो नया पिक्चर आया है, जो डिज़ाइन है, वो आपको हम दिखा देंगे किस तरह का है। ऐसे आप सोशल मीडियाज़ वगैरह पर आप देखे होंगे, यूट्यूब फेसबुक या कहीं ट्विटर पर, कि किस तरह का नया वाला जो गया जंक्शन है उसका स्ट्रक्चर है। अब यही देखिए गया जंक्शन है। अभी गया जंक्शन पर आते हैं तो आपको कुछ बात का ख्याल रखना होगा, ख्याल ये रखना होगा कि आपको पुराना वाला बिल्डिंग तो आपको नहीं दिखेगा, टूट फूट के बराबर हो गया, नया वाला बिल्डिंग बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जितना भी पैसेंजर गया जंक्शन पर आ रहा है उसको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर आपको गाड़ी लेट है और अगर आपको ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना है प्लेटफॉर्म पर ना हो के आप डेल्हा साइड में 7 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड में जो नया वाला बिल्डिंग है उधर चले जाइए, उधर आपको वेटिंग हॉल है, वहीं पर आपको शौचालय वगैरह मिलेगा और टिकट काउंटर अभी भी वही है दोनों साइड में, वहाँ जाके आप टिकट ले सकते हैं। अब रह गया फुट ओवर ब्रिज, तो फुट ओवर ब्रिज यार बीच वाला तो लॉक है, बीच वाला से आप मेन मार्केट की तरफ नहीं आ सकते हैं, स्टेशन से डायरेक्ट निकल के सबसे आखिरी वाला है, आखिरी वाला भी आपको लॉक नहीं है। और इधर जो सबसे आखिरी वाला है ये वाला ऑन है, डेल्हा साइड वाला, जिससे आप डायरेक्ट निकल कर उधर आप जा सकते हैं। तो ये कुछ बात जो है आपको ख्याल रखना है गया जंक्शन पर जब आप आते हैं तो। और ये देखिए पैसेंजर वेटिंग शेल्टर, ये वाला पहले यार पूरा ओपन हुआ करता था, ओपन आसमान के नीचे आदमी ऐसे ही सोया हुआ रहता था, अभी ठीक किया गया है, इस तरह का छावनी दे दिया गया है जिसके वजह से अब पैसेंजर ज़्यादा दिख रहा है और ज़्यादा आदमी यहाँ पर सो रहा है। पहले ऐसे ही खुला आसमान था, कुछ था नहीं, और अंदर में नीचे में आदमी ऐसे ही ज़मीन पर पन्नी वगैरह बिछा के सोया हुआ रहता था। और अभी शेल्टर होने से यह है कि अचानक जब बारिश आ जाएगा तो भी आदमी यहाँ से भाग नहीं सकता है, आराम से यहीं पर पड़ा रह सकता है। पहले क्या था कि जैसे ही आप गया जंक्शन से बाहर निकलते थे तो इस साइड में आपको सारा बस लगी हुई रहती थी सरघाटी वगैरह जाने के लिए या नवादा ववादा जाने के लिए, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से इधर तो बिल्डिंग्स बन रहा है, इसलिए बस स्टैंड अभी भी यहीं पे थोड़ा सा बगल में शिफ्ट है। और अगर आप आते हैं तो आपको सरघाटी और नवादा तरफ जाने के लिए आपको सारा बस यहीं पर मिलेगी और लगी हुई रहती है, यहीं से बस पकड़ के आप जा सकते हैं, क्योंकि बस वाला जो सिस्टम था यहाँ पर पहले इस साइड में लगी हुई रहती थी सारी बसें, जिसको पकड़ के आदमी सिरघाटी या नवादा तरफ या और कहीं भी जाना होता था, लेकिन अब सारी बसें जो है यहाँ पे लगी हुई रहती है। हालांकि अभी रात है, ज़्यादा बस दिख नहीं रही है, 4 या 5, क्योंकि अभी टाइम लगभग 1 पार हो चुका है, 1:30 बजने वाला है, तो इसलिए कुछ कम बस है। लेकिन जैसे ही सुबह होगा सारा का सारा बस जो है इसी एरिया में आके लग जाता है। देखिए उधर भी एक टूरिस्ट बस लगी हुई है और इधर भी कुछ बसेस वगैरह भी लगी हुई है। ऐसे गया से पटना जाने के लिए 5, 6, 7 नंबर प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से आपको गया से नवादा जाने के लिए आपको जो ज़्यादातर ट्रेन है, हालांकि 5, 6 से भी खुलती है, लेकिन ये 1A 1B यानी कि जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म के जस्ट बगल में है, ये आपको नवादा क्यूल वाला रूट में जाने के लिए सारी गाड़ियाँ इधर से खुलती है। और देखिए इधर भी आपको बिल्डिंग्स दिख रहा होगा, नया वाला बिल्डिंग जो भी बन रहा है, तो इधर से अभी ओपन है। अगर आप इधर से आते हैं तो आपको जंक्शन आने में कठिनाई नहीं होगा, यहाँ से आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म में इन कर जाएंगे और इसी फुट ओवर ब्रिज के ज़रिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। यही रहा एक छोटा सा यात्रा जो कि नदवा से लेकर गया जंक्शन तक का रहा और कुछ गया जंक्शन का अपडेट। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चाहें तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।